दोस्तों, आज हम आए गाजीपुर बॉर्डर पे। हम लोग हमेशा देखते आ रहे कि अलग अलग टाइप के लंगर यहाँ पर लगते हैं। कोई यहाँ पे खीर का लंगर, तो कोई यहाँ जलेबी का लंगर, तो यहाँ पर रोटी पानी तो चलती रहती है 24 घंटे। लेकिन आज गाजीपुर बॉर्डर पे एक अनोखा सेवा हमें देखने को मिल रहा है। वो क्या है सेवा? वो है जूस का सेवा। यहाँ पे हजारों क्विंटल जो है किन्नू जूस यहाँ पर लाए हुए हैं और ये यहाँ पर छीले जा रहे हैं यहाँ पे। और एक सेकंड में अभी वहाँ पे जो छील रहे व्यक्ति दो, उनमें से एक को मैं बुला लेता हूँ। और यहाँ पे भी छीले जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ औरतें हैं तो यहाँ पर छील रहे किन्नू, यहाँ पे और वहाँ पे दोनों। देखिए बाल्टी भर भर के किन्नू जो है छीले जा रहे हैं और वहाँ ड्रम भर के भरा जा रहा है किन्नू। आंटी जी एक सेकेंड। सत श्री अकाल जी, आपका शुभ नाम? परमजीत कौर। कहाँ से आया? हम रुद्रपुर से हैं। हाँ, रुद्रपुर से। रुद्रपुर से। अच्छा एक बात बताइए, कितना दिन से जूस का लंगर लग रहा है यहाँ पे? काफी लग जाता है। कितना दिनों से लग रहा है ये? जब से ये काम है तो डेढ़ महीना तो हो गए हैं। कितना? डेढ़ दो महीने तो हो गए हैं। डेढ़ दो महीने से जूस का लंगर चल रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, दिन में कितने किन्नू के लंगर, कितना किन्नू आप छिल लेते हैं? टाइम के साथ खाते हैं, जैसे 12 बजे से 4-5 बजे चलता रहता है। अच्छा, तो आपके मतलब हाथ दुखते नहीं, हाथ दर्द नहीं करते? करते तो है, अपने साथ करना तो है ही है। तो अंदाज से, आपके अंदाज से ये कितने किन्नू आपने आज तक छिल लिया सुबह से? अभी आया था, एक ट्रक भर के तो आ जाता है। हाँ, छोटी वाली एक ट्रक भर के आ जाता है। एक ट्रक भर के? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। ठीक, एक मिनट, अभी वहाँ पे दो भैया खड़े हैं उनको भी बुला लेता हूँ। सर जी एक सेकेंड। सत श्री अकाल जी, आपका शुभ नाम? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र, कहाँ से आया आप? यूपी से। यूपी से? अच्छा, यूपी। सर जी एक बात बताइए, यहाँ पे जितना दिन से जूस का लंगर चल रहा है, आप तक आज तक कितना किन्नू लग चुका है यहाँ पे? हर तीसरे दिन गाड़ी आती है जी, 20 क्विंटल की। 20 क्विंटल की हर तीसरे दिन आती है, बहुत बढ़िया। तो सुबह से आपने अब तक कितना छिल चुके हैं सुबह से? ये रोज लगभग 10 क्विंटल के लगभग लग ही जाता है, 8 से 10 क्विंटल। 8 से 10 क्विंटल लग जाते हैं। अच्छा, तो दिन में कितने लोग पी जाते हैं यहाँ पे, कोई अंदाजा है? कोई गिनती नहीं है, जितना जितना बन गया उतना सब चला गया। सर जी ये थे आपका, सबको शुभ नाम सर जी? नरेंद्र सिंह। अच्छा, ये थे नरेंद्र जी जो बता रहे कि दिन में हर तीसरे दिन 20 क्विंटल ट्रक का आता है संतरे का और वो छीलते हैं यहाँ पर। दिन का 10 क्विंटल तो लग ही जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन में कितना क्विंटल जो है यहाँ पे छीला जा रहा है और उसका कितना रस निकाला जा रहा है। आपको अभी दिखाते हैं, इधर ये देखिए, आपको ये एक अनोखा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है और वो देखिए वो व्यक्ति जो है भर भर के किन्नू जो है अपने हाथ से, ये देखो जी, डाल दिया इसने, मशीन मोटर चल रहा है और वहाँ से जूस निकल रहा है नीचे ड्रम में। ये नहीं कि कोई पतीला जग रख दिया, कुछ नहीं, बल्कि ड्रम रखा गया है। ये देखो ये डाले जा रहे हैं, ये देखो जी ये डाले जा रहे हैं। अब ये डाल दिया और ये देखो जी धारा निकल रही है जूस की, ये देखो जी, मतलब अनगिनत, बिना कोई रोके टोके, कोई रुकावट नहीं है यहाँ पे। आप डाले जा रहे हैं नॉन स्टॉप कंटिन्यूस मोटर वहाँ चल रही है। ये ऐसे ड्रम भर जाएगा, अभी यही तो आधा ड्रम है। ये आपको बगल में दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा ड्रम भरा हुआ है, एक ड्रम पूरा भरा हुआ है। और वहाँ पे वो देखिए, उसको वहाँ पे ड्रम भर के उसको मिक्स किया जा रहा है, उसको लंगर पे हाथ पड़ा जा रहा है। और यहाँ पे एक ड्रम ढक के रखा हुआ, वो भी भर दिया गया सर जी। बात से सर जी, सत श्री अकाल पहले तो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर जी आपका शुभ नाम? गुरविंदर पाल सिंह। कहाँ से आया आप? बरेली बहेड़ी। तो बरेली जी। अच्छा सर जी, दिन में आप कितना यहाँ पर जूस निकाल लेते हैं? जूस का पूरा दिन चलता ही है जी। तो पूरा दिन चलता ही रहता है, कोई मतलब कोई अनगिनत ये नहीं है, हिसाब नहीं है? हाँ जी, कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, दिन में आप ऐसा, अच्छा अंदाज से दिन में ऐसे कितने टब निकल जाते हैं आपके? ऐसे कम से कम 15 टब निकल जाते हैं जी दिन में। जी 15? हाँ जी। देखो जी ये कितना लीटर का टब है ये आपके अंदाज से? ये 50 लीटर का टब है। 50 लीटर का टब दिन में 15 निकल जाते हैं भाई। ये देखो, ये है जी अनोखा चीज जो आपको देखने को मिल रहा है, 15 लीटर का टब। आपका शुभ नाम सर? हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह, कहाँ से आया? हम नौला फार्म बहेड़ी से। तो आप ये कब से कर रहे हैं? हाँ जी, सेवा जो है आप कब से कर रहे हैं?
हम जब आज मैं मंडे से आया हूँ यहाँ, मंडे से ये संतरे की सेवा कर रहा हूँ। मंडे से संतरे की सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा, चलो जी, थैंक यू जी। किसी बात की कोई कमी नहीं है? अच्छा, कोई कमी नहीं है। अच्छा, लोग जो यहाँ पर कह रहे हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की फंडिंग या फिर खालिस्तानी फंडिंग है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये कहाँ से लोग बोलते हैं ना, राशन सरकार पूछती है, मीडिया पूछ रही है कि इनको राशन पानी कहाँ से आ रहा है? जी सर जी, बाबे नानक का लंगर चलाया हुआ ही चल रहा है अभी तक। हाँ जी, गुरु जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। देखो, ये है जोश और जज्बा जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बाबे नानक का लंगर यहाँ पर जो है वही चला आ रहा है, जो 20 रुपये उन्होंने साटी में दिया था, 20 रुपये से शुरुआत की थी लंगर, अब वही यहाँ पर चला आ रहा है 20 रुपये। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है अलग ही टाइप की इकोनॉमी चल रही है। अब इस अलग ही टाइप की इकोनॉमी में यहाँ पर सबका नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा है, लेकिन सबका पेट भरा जा रहा है। यहाँ पर रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है। अब आप सोच रहे होंगे कैसा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, रोटी का जो इंतजाम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है जी, कपड़ा तो यहाँ पे लोग दे जाते हैं और मकान तो यहाँ बन चुके हैं, फिर सोलर पैनल और मकानों के अंदर तो डीटीएच टीवी भी लगा चुके हैं। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो जूस बांट रहे हैं। ये देखो जी, जूस जो है बाल्टी भर भर के भरा जा रहा है। ये देखो जी, सत श्री अकाल जी, आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह। कहाँ से आया आप? भाईपुर यूके। भाईपुर से? भाईपुर से। अच्छा, दिन में आप ऐसे कितने ड्रम भर लेते हैं? ये सर देखो, गुरु महाराज की कृपा है, ड्रम पे ड्रम भरता है इसमें। अच्छा, ये कितना दिनों से ये लग रहा है ये? हाँ जी, कब शुरू हुआ था ये? ये सर हो गया हफ्ते से ऊपर। हफ्ते से ऊपर शुरू हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो ये कितना लीटर का ड्रम होगा ये आपके अंदर? ये सर ऐसे ही होगा, 50 से ऊपर ही होगा, 50-60 लीटर का। दिन में कितना ऐसा ड्रम भर जाते हैं? 25-30 बार दिन में। ये मतलब लगातार चलेगा शाम तक? अच्छा, शाम तक लगातार चलेगा। बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं आप तो जी, मतलब ये अनोखा सेवा देखने को हमें मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अनोखी सेवा सर। एक बात बताइए। हाँ जी, हाँ जी, क्या आप जो जितने भी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं, आप इंडिया में जितने भी प्रोटेस्ट होगा, जैसे JNU का प्रोटेस्ट हो गया या दूसरा कोई प्रोटेस्ट, वो हमेशा वॉयलेंस हो जाते हैं, इस प्रोटेस्ट में ऐसा क्या हुआ कि सब लोग यहाँ पर लंगर कर रहे हैं, ऐसा क्या है इस खास? सर ये आपको ये पूरे देश का प्रोटेस्ट है, ये खाली किसान का नहीं है। जो भी आदमी शाम को खाना खाता है, ये उस आदमी का भी है, ये खाली किसान का नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी आवे, चाहे वो लोकल वाला भी हो, किसान हो, कोई भी है, यहाँ देख रहे होंगे सर, यहाँ 24 घंटे चल रहा है लंगर। 24 घंटे लंगर चल रही है, अनोखी चीज देखने को मिला मेरे को एक्चुअली। अच्छा, एक फाइनल सवाल है, आखिरी सवाल, उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जितने भी मीडिया वाले हैं, सरकार है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो राशन पानी आ रहा है, फंडिंग जो हो रही है, वो या तो खालिस्तानी कर रहे हैं या पाकिस्तानी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आ रहा है सब कुछ जी? ये सब जो भारत की जनता है, उनका सबका सहयोग है, ठीक है। मान लिया हम किसान हैं, हमारे जो पीछे मतलब और भाई बहन हैं, वो इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं अपनी तरफ से। इसमें कोई भी प्रदेश से या किसी भी पाकिस्तानी का कोई फंडिंग का मतलब नहीं है जी। ये देखा, यहाँ पे जो है भारत की जनता जान दे रही है यहाँ पे, ना कि कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी। तो ये है एक्चुअल हकीकत यहाँ के लंगरों की। तो आइए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। ये देख, वहाँ पे जूस बांट रहा है ना पापा जी, आ जाओ लाइन जाओ भाई, लाइन जाओ।